26 साल पहले जो साधव धूमानंद ब्रह्मचारी था वो पुरी में गया था, जो पुरी जो नीलाचल है उधर जाके उसका मन में इच्छा हुआ है कि खुद ही प्रभु पे भोग चढ़ाना। तो जब चढ़ने गया उधर का जो पंडा था वो पंडा अपमानित तो लंचित करके उसको निकल दिया है। हम बोला कि आ गर्भचीन सन्यासी तुम्हारे यत बड़ो अस्पर्धा, तुम्हें प्रभु के स्वहस्ते भोग निवेदन करते इसेचो, तुम्हें बेरिए जाओ। तो जब वो बाहर में बैठा है जगन्नाथ महाप्रभु उसको जो सपने में दिया है कि तुम अभी लौट जाओ माहेश में, माहेश में जाके भागीरथी का तीर्थ में एक नीमकट जब नीमकट मिलेगा वो नीमकट से मेरा मूर्ति तैयार करो, बांग्लादेश में वो नाम प्रचार करो। वही जो नीमकट से जो जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र देव एवं माँ सुभद्रा वही नीमकट में जो 626 साल पहले जो तैयार हुआ है वो अभी तक माहेश में है। यही माहेश का मेन वैशिष्ट्य है। पूरी में जब 12 साल बाद जो नव कलेवार होता है जो आषाढ़ मास मलमास होगा, लेकिन इधर में नव कलेवार नहीं होता, इधर सिर्फ नव जौवन होता है। यही माहेश का वैशिष्ट्य है। हम लोगों का जो आइडल है जो जगन्नाथ आइडल है सिर्फ अंगराग होता है और कुछ नहीं होता है। पुरी में जब पुराना मूर्ति समाधिस्थ होता है इधर में माहेश में नहीं होता है। यही माहेश का मेन वैशिष्ट्य है। और माहेश का जो रथ है ये पश्चिम बंगाल में फेमस रथ जाता है, इंडिया का सेकंड है। और जो जगन्नाथ का आइडल है ये इन नॉट ओनली इंडिया नॉट ओनली एशिया इन वर्ल्ड इन ओल्डेस्ट आइडल इन माहेश। जय जगन्नाथ।